उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बसपा के विधानसभा अध्यक्ष पर ठगी का आरोप लगा है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बसपा से टिकट देने के नाम पर एक प्रत्याशी से पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य ने बहुजन समाज पार्टी से टिकट के लिए 1,30,000 रुपए विधानसभा अध्यक्ष को दिया था, लेकिन अध्यक्ष ने कोई टिकट नहीं दिया और ना ही पैसे वापस किए। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने कोतवाली बांगरमऊ में प्रार्थना पत्र देकर उचित और जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपका जयराम सिंह निषाद, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ 2 साल से साहब पार्टी बसपा में लगे हुए हैं। मंगल मौत के साथ जहाँ बुलाते रहे तहाँ जाते रहे, खर्चा होता रहा गाड़ी घोड़ी, और 1,30,000 नगद केस लिया जिसमें 70,000 एक मुफ्त की रिकॉर्डिंग है और 60,000 रुपये फुटकर में लिया है इन्होंने मुझसे। किस चीज़ को लेकर? कि पार्टी से टिकट देंगे। काहे का टिकट? जिला पंचायत सदस्य पद के बसपा से। जिला पंचायत टिकट को लेकर आपने 1,30,000 कुल दिया है, टिकट नहीं मिल पाया? टिकट नहीं मिल पाया है, पैसा भी नहीं वापस हुआ। जब आपने कहा टिकट नहीं मिल पाया तो पैसा वापस कर दो, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है वो पैसा नहीं वापस होगा। अच्छा, तो आपने प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया? दी। क्या बताया इंस्पेक्टर साहब ने? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कस्बा इंचार्ज को भेज रहे हैं, फिर देखते हैं, फिर बुलाते हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।